हंसराज महिला महाविद्यालय, जो कि महात्मा हंसराज मार्ग जालंधर में स्थित है, ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जालंधर के साथ मिलकर इंटरनेशनल वेमेन डे सेलिब्रेट किया। इस कॉलेज की स्थापना 1927 में लाहौर में की गई। तब से लेकर अब तक ये कॉलेज महिलाओं के सशस्त्रीकरण के लिए प्रयासरत है और आज ये जालंधर का जाना माना कॉलेज है। इंटरनेशनल वेमेन डे बहुत ही धूमधाम के साथ हंसराज महिला महाविद्यालय में मनाया गया, औरतों को सम्मानित किया गया। हमारी टीम ने हंसराज महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल से बातचीत की। आज के हमारे इस बहुत ही सुंदर समारोह के मुख्य अतिथि तो नहीं मैं कहूंगी, हमारे बहुत ही सपोर्टिव गार्डियन मैं जरूर कह सकती हूँ, हमारे कमिश्नर साहब। हालांकि आज उनकी ये पहली विजिट है हमारे इंस्टीट्यूशन में, लेकिन मैंने इनको 2-3-4 बार अलग अलग फंक्शंस में सुना, अलग अलग फंक्शंस में मैंने इनकी कार्यशैली देखी और तब से हम लोग इस बात की कोशिश में थे कि किसी दिन इनको कैप्चर करके HME में लाया जाए। सर, आपने हमें आज वो मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। इनके साथ ही मैडम रंधावा भी हैं हमारे पास। मैडम रंधावा हमारी अपनी बेटी, हमारी अपनी इंस्टीट्यूशन की बेटी, यहीं से पढ़कर आज ये इतने ऊंचे ओहदे पर विराजमान हैं। मैम, आपका अपने ही घर में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे डीन एकेडमिक्स बैठे हैं साथ में, डॉक्टर कमलदीप, जैसे मैंने अभी सर से जिक्र किया, HOD कॉमर्स हैं, IQAC कोऑर्डिनेटर हैं, डीन एकेडमिक्स हैं और अपने आप में एक उम्दा टीचर हैं। इनके साथ ही साथ मैं इस हॉल में बैठे हुए हंसराज महिला महाविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स का तो हार्दिक अभिनंदन करती ही करती हूँ। और आज हमारे लिए ये खुशी का मौका कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आज जालंधर शहर से बहुत गणमान्य हस्तियां हमारे बीच यहां पर पहुंची हैं। किस काम के लिए पहुंची हैं वो एक और खुशी का जिक्र करने की बात है। मैं उसके कंसर्न में भी छोटी सी बात आपसे जरूर शेयर करूंगी, चाहे वो प्रथम पंक्ति है या चाहे वो अंतिम पंक्ति है। मेरा ये अभिनंदन का भाव आप सबके लिए है, क्योंकि आज एक बहुत ही खास मौके पर आप हंसराज महिला महाविद्यालय में पधारे। मैं सर के साथ शेयर कर रही थी कि 1927 में इस संस्था का निर्माण लाहौर में हुआ। 1927 से 47 तक ये संस्था लाहौर में रही। 47 से 57 तक माईरा गेट बिक्रमपुरा के पास एक राजा का महल है, ये संस्था वहां पर रही और 1957 में हम अपनी इस प्रेजेंट बिल्डिंग में आए। ये हिस्ट्री इसलिए बता रही हूं कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन उस वक्त डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया। आप डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में जानते हैं, तो अगर उन्होंने ये सोचा कि उस जमाने में इस संस्था को शुरुआत करने का की खुशनसीबी उन्हें मिल रही है, तो उनके मन में क्या विचार आए होंगे, उनके मन के क्या भाव रहे होंगे। मैं सिर्फ आपको उन भावों के साथ, उन विचारों के साथ आपकी पहचान कराने की कोशिश कर रही थी। तब से लेकर आज तक, चाहे हम स्वामी दयानंद जी की बात करें, हम महात्मा हंसराज जी की बात करें, हम महात्मा अनंत स्वामी की बात करें, या उस पूरी की पूरी कड़ी को चलाते हुए हम आज हमारे प्रेजेंट प्रधान डॉक्टर पूनम सूरी, जो कि आर्य रत्न है, जिनको कि पद्मश्री से नवाजा गया है, उनकी बात करें तो DAV ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़ी रही। मेरे आलू की होए वट पवाऊंगी मैं रेशम की डोरे।
मेरी मेरी प्रीत विटोला अल्लाह तो बख्शाई, मेरी मेरी प्रीत विटोला अल्लाह तो बख्शाई, मेरी मेरी प्रीत विटोला अल्लाह तो बख्शाई। सागर म्यूजिक डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। निमृत खैरा हमारी अपनी ही स्टूडेंट है और ऐसी ही एक स्टूडेंट है हमारे पास नवजोत लखचा। ये बच्चा जलंधर का स्वच्छता एम्बेसडर बन चुका है, तो ये अपनी स्वच्छता जुबली इंसान की शुरुआत ही बिना वुमेन के नहीं हो सकती। अगर आप नहीं है तो हम है ही नहीं पहली बार। तो ये बात जो है ना चार दीवारी के अंदर रह जाती है, बाहर निकलते हैं दिमाग कुछ और हो जाता है। पांच मिनट की गेम है बस उसकी बात। तो हमें इस चीज की पहले जानी पड़ेगी कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, ये हमारे इसके अंदर न रहे, हमारे दिल में, हमारे जहन में, दिमाग में बैठी रहे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमारी जो मानसिकता है वो संकीर्ण नहीं रहेगी। और अगर हम इतिहास की बात करें तो हर जगह से लेके सीता जी से लेके राधा जी से लेके मीरा से लेके एक एक जो कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट हुई पड़ी है वुमेन से क्या किया है। रानी लक्ष्मीबाई कितनी बड़ी एग्जाम्पल है भाई। तो वो सब किताबों में पढ़ते तो हैं लेकिन हमें अपने अंदर उतारने की जरूरत है और खासकर मर्दों को उतारने की जरूरत है। क्योंकि आप आपको पता ही है हमारा ये काम होता है कि हम यहाँ पे आए बैठे बातें सुनी ठीक है जी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया हम निकल गए। बहुत सारी चीज़ें आप रोज पेपर में देखते हो पढ़ते हो उसका कारण यही है कि हम लोग उसको अनुसरण नहीं करते उस चीज़ का। तो ये जो चीजें हैं अपने जहन में दिमाग में बैठाओ। मैं अपने
गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर देश को ना गंदा करूंगी ना गंदा करूंगी ना गंदा करने के लिए ना गंदा करने के लिए किसी को प्रेरित करूंगी किसी को प्रेरित करूंगी अगर कोई करता है अगर कोई करता है तो मैं उसे रोकूंगी रोकूंगी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्रिंसिपल मैम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एचएमवी कॉलेज ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड ऑल द ऑफिशियल एंड स्टाफ फ्रॉम द कॉर्पोरेशन एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये जिहड़ा दिन है this is not only a day this should be a way of life ye nahi ki ajj apan ajj e din ne celebrate kar liya te ajj karke te itthe apan lectures de ke te apan thoda ja itthe thoda ja gal karke itthe mind apply karke te us to baad apan nu bhul jaiye but most important is ki assi ajj de din जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैगी है वूमेन्स की फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे हिस्टोरिकली है चाहे सोशली है चाहे इकोनॉमिकली है चाहे पॉलिटिकली है पास्ट है प्रेजेंट है या फ्यूचर वो सारी चीज़ को ध्यान च रखद हो अज आप ये सारी चीज़ जी है याद करनी चाहिए है तो अगे असी की करना है कि असं अगे एक्सपैक्ट करते हैं तो की सा विजन हैगा फॉर द वूमेन्स ओनू आपां नूं इत्थे सोचण दी लोड़ है जो वूमेन्स दी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है जो वूमेन्स दी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती चाहे उन्हां दी पेशेंस या टॉलरेंस का सवाल है उन्हां दा परसिवियरेंस का सवाल है कोई भी जो भी सवाल है ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਨਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ 1930 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਨਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਵੂਮੈਨਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੂਮੈਨ ਲੈਡ एंड उदो ये किया गया सी कि असी कोई भी वायलेंस नहीं करांगे कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करांगे जे कोई वायलेंस साढ़े ते होएगी तो असी उन्हों रिजिस्ट भी नहीं करांगे जे साढ़े ते कोई लाठी भी मारेगा तो असी अपना हाथ भी नहीं चकांगे अपने आप नू बचाउन दे लई इट वाज सच ए सत्याग्रह वेयरएज शो करदिया होया किसी ने उस कोई वायलेंस नहीं की किसी ने कोई हाथ नहीं चके अपने आप को बचाने के लिए लोग वो देख रहे थे वही देख रहे थे कि कितना जड़ियाँ कहो जी आवाज़ा जड़ियाँ है लेडीज़ के मुँह चो आ रही है सो एक वूमेन जी है इट इज ए आदमी कहने जिन्होंने आप मैन कहने उन्होंने थोड़ी जी घट है ये पेशेंस जी है इफेक्टिव शुभ राशिष मांगे गारे
कि भी अगर उसका दर्जा असी खुदा तो भी उत्ता दिता जावे ते इदे विच कोई दो राय नहीं है कि औरत का दर्जा खुदा तो भी उपर है। कहने ने कि भी लोग कहने ने कि मां दे पैरा च जन्नत होंदी है, कहने इस जहां में मां से प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों में जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। कहते जे तुम अपनी मां उसनु अपनी झोली विच पा लैंदे हो दा सिर ते समझो तुहाडे सारे देवी देवते और सारी कायनात तुहाडी झोली विच पई होंदी है। इसे तरह ही जिहड़े लफ्ज़ असी अपनी धी अपनी भैन अपनी मां वास्ते नहीं यूज कर सकते, वो किसी की भी धी मां भैन लई कदे ना यूज करो। अज ये मुंडिया की टाणी इतों प्रण लैके उठेगी इस चीज़ पर कि भी असी जेड़े अपने लफ्ज़ जेड़े है और औरत जात लई एक फर्स्ट क्लास वाले लफ्ज़ जेड़े है वो हमेशा यूज करा। शाख है ना फूल अगर अंजना मैम वो शाख है ना फूल अगर तितलियां ना हो। मेरा नाम है रिचा, टाइम नहीं है मेरे कोल, मैंने एचएमबी से पढ़ाई करी है पर टाइम नहीं है मेरे कोल, मैंने उसके बाद में सिटी कॉलेज से पढ़ाई करी है लेकिन फिर भी टाइम नहीं है मेरे कोल, और तो बाद जो मैं एचएमबी जाके जॉब की है लेकिन हजे भी जिंदगी टाइम नहीं है मेरे कोल, और हूं भी मैं आगे बढ़ती जा रही हूं लेकिन टाइम नहीं है मेरे कोल। जवानी अमान
अज इंटरनेशनल वूमेनस डे ते जो अज पूरे वर्ल्ड दे विच मनाया जा रहा है उहदे लई मैं दुनिया दे विच जिन्नियां वूमेनस है उन्हां सारयां नूं मैं बहुत बहुत मुबारक दिंदा ते स्पैशली उन्हां वूमेनस नूं जिन्हां ने लाइफ दे विच बहुत बहुत वड्डियां प्राप्तियां कीतियां चाहे वह प्राप्तियां चाहे लोकल लैवल ते होण चाहे वर्ल्ड लैवल ते होण चाहे सिटी लैवल ते होण उन्हां सारयां नूं मैं बहुत बहुत मुबारक दिंदा ते नाल ही ये आस करदा कि सारी सोसाइटी वूमेनस नूं बराबरता दा अधिकार देण दे विच पूरी सहायक होवेगी ते उन्हां नूं पूरियां अपॉर्चुनिटीज़ मिलनगियां ते वूमेनस भी उहदे मुताबक बंदियां दे नाल अपने बैटर हाफ दे नाल अपने इक्वल पार्टनर दे नाल रल के चलनगियां ते सोसाइटी नूं एक बहुत ही अच्छी जगह बनाणगियां तां कि इत्थे वधिया तरह रहा जा सके ते सोसाइटी एक बहुत ही अच्छी लैवल ते पहुँच सके ते जिन्नियां भी सोसाइटी च बुराइयां ने वो सारियां दूर हो सकन। आज इंटरनेशनल वुमेन डे की सेलिब्रेशंस के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हंसराज महिला महाविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो औरतों के सशक्तिकरण के लिए सन 1927 से लगातार प्रयासरत है। हमारा विजन, हमारा मिशन यही कहता है कि किस तरह औरतों को शिक्षित करके एम्पावर किया जा सके ताकि समाज को एक सही दिशा दी जा सके। आज से 150-200 साल पहले आर्य समाज और डीएवी के लीडर्स ने ये मान लिया था कि अगर समाज को एक सच्ची दिशा देनी है, समाज को सही रास्ते पर लाना है तो औरत को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी होगा। इसी चीज़ को सोचते हुए सन 1927 में हंसराज महिला महाविद्यालय की लाहौर में स्थापना करी गई और आज 95 साल के बाद ये जलंधर में उत्तर भारत की प्रमुख संस्था के तौर पर लड़कियों को शिक्षित कर रही है। दो बार नैक के सर्वोच्च अंक हासिल करके इसने अपना सिक्का जमाया है, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के साथ सुसज्जित है और आज के दौर में स्किल एजुकेशन देने के लिए ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र रखे हुए है। सो आज के इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ।